हेलो फ्रेंड्स, सोम एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा एसएससी क्लर्क का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और जिन दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया है उन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एक अनुमानित कट ऑफ थोड़ा देर से आई है। इसके लिए हमें आपके लिए खेद है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया है, उसके बाद ये कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, इस कट ऑफ का मुख्य तात्पर्य यही है कि एक सटीक अनुमान आपको दिया जाए कि कितने अंकों पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें और चैनल से प्लीज़ आप जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि हरियाणा के आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी हमारे इस चैनल पर आपको सुचारू रूप से कराई जाएगी। तो यहाँ पर जनरल, BCA, BCB, EWS, SC और एक्स सर्विसमैन, इन सभी तरीके की कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी थी और उसी के लिए हम आपको कट ऑफ बताएंगे। कट ऑफ के लिए मैं आपको बता दूं कि 90 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 21 से 23 सितंबर तक आपका सुचारू रूप से चला था और इसमें लगभग 15 लाख कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन किया था और लगभग 20% से अधिक स्टूडेंट जो हैं इसमें अनुपस्थित भी रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ तक यदि अनुमान की बात की जाए तो एग्ज़ाम का लेवल जो था वो हार्ड लेवल का कहा जा सकता है। हार्ड लेवल और इजी लेवल हम कहाँ से तय करते हैं? तो पिछले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा एसएससी क्लर्क का, उसका एक अनुमान लिया जाता है कि उसके मुकाबले हार्ड है या इजी। तो उसके मुकाबले एग्ज़ाम काफ़ी मायने में हार्ड था। इसकी मैथ और साइंस काफ़ी ज़्यादा टफ पूछी गई थी और सामान्य ज्ञान भी इजी नहीं था। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो पोस्टों की यदि बात की जाए तो पोस्ट प्रत्येक कैटेगरी के लिए थी क्योंकि पोस्ट पर ही आपका निर्भर करता है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो और आपके जो कितने मार्क्स आप लोगों को चाहिए अंतिम कट ऑफ में बनने के लिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, अर्थात आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चैनलों के माध्यम से आंसर की सुचारू रूप से जारी की गई है। उसमें एक दो क्वेश्चन की हो सकता है गलती हुई होगी तो आपको एक अनुमान भी लग चुका होगा। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 2354 वैकेंसी थी जनरल कैंडिडेट के लिए और यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 62 के आसपास आपकी जा सकती है। और दोस्तों, ये जो कट ऑफ है ये आपकी यहाँ तक जाएगी निश्चित ही और 100 में से, क्योंकि आपका जो अभी 10 नंबर आपको और ऐड होने हैं वो आपके वेटेज के रूप में होंगे, तो वहाँ से यदि कट ऑफ में और ऐड किया जाएगा तो हो सकता है 2 से 3 नंबर तक जा सकती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 62 से 67 तक आपकी जनरल की कट ऑफ हो सकती है, 62 से 67 तक। BCA कैटेगरी की यदि बात की जाए कि BCA कैटेगरी की आपकी कट ऑफ क्या होगी, तो BCA कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं कि 60 से 65 के बीच आपकी कट ऑफ हो सकती है BCA कैंडिडेट के लिए। अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स हमें कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि आपको और ज़्यादा एनालाइज अनुमान हो सके कमेंट्स देख करके। तो यहाँ पर BCB की यदि बात की जाए तो BCB की कट ऑफ भी यहाँ पर 61 से 65 के बीच आपकी रह सकती है। BCA कैंडिडेट के लिए वैकेंसी की बात की जाए तो 709 वैकेंसीज आप लोगों के लिए थी, 511 वैकेंसीज आप लोगों के लिए थी यदि BCB कैंडिडेट की बात की जाए। देखिएगा, इस बार जो है 371 वैकेंसीज EWS के लिए भी रखी गई है। ये नई कैटेगरी ऐड की गई है, जैसे ही जनरल कैंडिडेट को जिन लोगों को रिजर्वेशन का आरक्षण का लाभ नहीं था उन लोगों के लिए बनाया गया है 10% EVS का ये आरक्षण का नियम। तो यहाँ पर अभी सर्टिफिकेट काफ़ी कम मात्रा में बने हुए हैं आखिरकार, तो इसकी कट ऑफ भी नीचे आनी अभी लाजमी है। तो कट ऑफ इसकी नीचे जाएगी BCA और BCB से और जनरल से। तो कहाँ तक जाएगी इसकी कट ऑफ, ये देखेगा आपकी जो कट ऑफ है वो 58 से 63 के बीच रह सकती है। तो EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए ये प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि अभी सर्टिफिकेट जो है मात्र 25% लोगों के पास ही हैं इसके। नेक्स्ट बात करते हैं SC कैंडिडेट के लिए और ST कैंडिडेट के लिए जो हरियाणा में
विशेष जनजातीय समूह होता है एसटी, वो हरियाणा में नहीं है, तो एसटी कैंडिडेट की कोई कट ऑफ नहीं बनेगी। एससी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो एससी के लिए यहाँ पर देखिएगा 913 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई थी, और यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो बनती है यहाँ पर देखिएगा 50 से 55 के बीच। और मैं आप लोगों को ये सूचना और दे दूं कि एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं था कि इतनी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन को प्रदान की जाए। प्रत्येक कैटेगरी में जिस कैटेगरी का भी एक्स सर्विसमैन है उसी के अनुरूप उसको लाभ मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी कैटेगरी का हो, यदि आपके मार्क्स 40 से 45 के बीच हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो दोस्तों, जनरल के लिए 62 से 67, बीसीए के लिए 60 से 65, बीसीबी के लिए 61 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 63, एससी के लिए 50 से 55, और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 से 45। ये आपका हाईएस्ट स्कोर है, ये इसी के बीच आपकी कट ऑफ रहनी है। और ये अनुमान आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।